इंसान के किरदार की खूबसूरती का आगाज कहां से होता है? हुस्ने तफक्कुर, सोच में खूबसूरती पैदा करता है। हुस्ने तफक्कुर, हुस्ने तकल्लुम, हुस्ने अमल। हम में से कोई नहीं चाहता कि कोई बंदा हमारी नाक खींच के इतनी लंबी कर दे, चाहता है कोई? यानी जो भी इंसान फिगर से आउट हो, मसलन पेट बड़ा हुआ हो तो सारे लोग ऐब समझते, कहते हैं इसका पेट। वो क्यों कहते हैं? एक टांग छोटी हो बड़ी हो कहते हैं लंगड़ा है, एक आंख छोटी हो बड़ी हो कहते हैं टीरा है, सर पे बाल ना हो कहते हैं गंजाई गंजाई। इसका मतलब है कि अंदर से इंसान की फितरत बता रही होती है कि ऐब है ऐब है ऐब है, क्योंकि फितरत हुस्न को पसंद करती है। अगर किसी की आंख में खराबी है तो ये ऐब है, अगर किसी की नजर में खराबी है तो ये ऐब नहीं है। होंठों को हम कितना सजाते हैं, खवातीन जाती हैं तो क्या करती है, मेकअप। एक मजेदार वाकया छोटा सा, कि क्लास थी बहुत बड़ी सीनियर क्लास थी, तो सवाल हुआ कि सर अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? तो चूंकि पूछने का अंदाज सवाल का नहीं था, यानी वो सवाल ऐसा था कि समझ नहीं आ रही क्यों बनाया। जैसे हम कहते हैं ना भाई क्यों बनाया, इसका मतलब है कि मकसद पूछ रहे हैं। कहते हैं भाई क्यों बनाया है, इसका मतलब है कि मुतमिन नहीं है। कहते क्यों बनाया? मैंने कहा जी मेकअप करने के लिए। बड़ा सीरियस मूड चल रहा था। अच्छा, उनको हंसने जब हंस लिया चुप हो गए, अरे बोर्ड पे लिखा मेक बनाओ अप, ऊपर अपने आप को बुलंदी पे ले जाओ, मेक अप। होंठों का मेकअप करते हैं तो गुफ्तगू का मेकअप क्यों नहीं करते? वो लफ्ज जो निकलते हैं उसका मेकअप क्यों नहीं करते? हाथों का मेकअप करते हैं तो हाथ उठाने से पहले क्यों नहीं सोचते इसको मेकअप क्यों नहीं करते? सर का मेकअप करते हैं, जहन का मेकअप क्यों नहीं करते? मेकअप। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिसके दो दिन एक जैसे गुजर जाएं वो शदीद खसारे में है। यानी अगर परसों वाले आशिक हुसैन में और आज वाले आशिक हुसैन में फर्क नहीं आया तो सरकार की नजर में ये बहुत बड़ा खसारा है, और हमारे तो बरसों के बरसों ऐसे के वैसे। महीना के बाद क्यों नहीं मुंह धोते? हर रोज सुबह उठना मुंह धोना, फिर दूसरी सुबह उठना फिर मुंह धोना, दिन में कई कई बार जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते वो भी दो दफा तो मुंह धोते हैं। चेहरे को क्या कहते हैं? वजह, वजह। ये जो चेहरा है इसे कहते हैं वजह, और जो शख्सियत का चेहरा उसे कहते हैं वजाहत। वजहों को धोते हैं, वजाहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खसूसियात को फरमाया वजीहन, हमने उन्हें वजी बनाया, पर्सनैलिटी वाला वजी। जिस तरह मेकअप के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं, तो जो सुरमा है वो होंठों को लगा लिया, और जो लिपस्टिक है वो आंखों में लगा ली, जो कांटे हैं वो उनमें से एक कांटा इधर पहन लिया, कार्टून ही है ना। मेकअप का सामान पता करें कि वजाहत जो इंसान की शख्सी वजाहत है उसके अनासिर क्या हैं, वजाहत किन चीजों से पैदा होती है, जैसे सुर्खी पुट रहे हैं, और फिर किस चीज को कहाँ रखना है। वजाहत की पहली जरूरत आदाब। जिस इंसान में आदाब नहीं है वो जहाज से भी उतरे तो गधा होता है, वजाहत नहीं होती उसमें। ये ठीक है लोग अपनी गर्ज और लालच की वजह से उसका अदब करते हैं, लेकिन दिल से उसे कहते हैं तीन हरफ है तुम पे। लेकिन मुमकिन है कि कोई वोकेशन में पहने हुए स्लीपर पहने हुए बाहर आ जाए, लेकिन बड़े बड़ों की जुबानें उनकी वजाहत के सामने गंग हो जाती है। क्यों? उन्होंने कपड़े सादा पहने हैं लेकिन शख्सियत को ऐसे नमूफ दी है। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, या अली आप ये फरमाइए कि आप अपने दुश्मन पे गालिब कैसे आते हैं, कैसे जेर कर लेते हैं आप? और मौला का जो बजाहिर जो जिस्मे अकदस वो स्लिम है, कमर पतली, शाने चौड़े, चेहरा मुबारक भी, यानी वो चौड़ा नहीं था बल्कि चौड़ा नहीं है, बिल्कुल स्लिम, लेकिन हैदर है, करार है। तो मौला से पूछा कैसे कैसे गालिब आते हैं आप? तो इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया, ये फसाहत और बलागत की मेराज है ये जुमला। इमाम ने फरमाया मेरा हरीफ, यानी दुश्मन, मेरा मुकाबिल जो मेरे मुकाबले में आता है, मेरा हरीफ अपने खिलाफ खुद मेरी मदद करता है। क्योंकि इमाम कभी भी अपनी बड़ाई का जुमला नहीं बोलते, इमामत और तकबर एक जगह पे नहीं जमा सकते। ये कमाल की बलागत है। इमाम क्या फरमाना चाहते हैं कि वो मेरे इतने रोब में आ जाता है, यानी तलवार उठाने से पहले ही वो मेरी शख्सियत की ताब नहीं ला सकता। और ये सीधी बात है कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसकी सिफात का कम अज कम अक्स उसके अंदर मौजूद होता है, और ये पूरी दुनिया ने देख लिया है कि मर्दानगी दिखाई है तो किसने दिखाई है तारीख में,